आज एंजल बहुत खुश है क्योंकि आज इसके पापा घर पे हैं, आज ही ऑफिस नहीं गए। और पापा ने सुबह सुबह ही क्या कर दिया है, सफाई अभियान छेड़ दिया है। देखें हमारा पूरा घर अभी मेस्ड अप हो रखा है। अभी पापा पूरा 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 फैला फैला के बैठे हैं और अपना कुछ काम करने लग गए, तो हमने सोचा कि हम लोग वीडियो बनाते हैं और थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, है ना, है ना, है ना। तो आज हम दिखाते हैं आपको पूरा दिन हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे एंजल पापा के साथ मस्ती करती है, पापा के साथ घूमी करती है, पापा के साथ खेलती है, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। एंजल के साथ काम करना इतना मुश्किल हो रहा है ना, इतना ज्यादा। एंजल नो बेटा, कम आउट, लग जाएगी बाबू आपको। पैर बचा के उसको। एंजल नीचे उतरो, चलो वो देखो पापा को करने दो बाबू। इधर स्पेस है काफी, है क्या स्पेस है? ओके कम 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 कम, नो नो नो, आपको अंदर आना है, आपको अंदर आना है। चलो निकलो बाहर, गिर जाएगी। बाय बाय। कहाँ कहाँ चले गई थी ये एंजल? आप कहाँ चले गए थे? आप ऊपर जा रहे थे, सीढ़ियों में चढ़ गए थे आप एंजल? कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? वो नीचे, ये लो तुम्हारे लिए शिकंजवी बना के लेके आया हूँ, नींबू की शिकंजवी। इसमें है नींबू, चीनी, नमक और चाट मसाला, जिसको पीते ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यार। बहुत बहुत बहुत, इतनी गर्मी है, मानसून आ गए, फिर भी कल बारिश नहीं हुई, आज बारिश नहीं हुई, तो कितनी ज़्यादा गर्मी है। मेरे बाल देखो कैसे उड़े उड़े चिपके चिपके से हो गए गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। नींबू पानी पीने लगी हूँ, चटपटा सा है। वैसे मुझे नींबू पानी इतना पसंद नहीं है, पर इन्होंने इतने प्यार से बनाया, बहुत अच्छा बना। लेकिन वैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से अच्छा है ना ये सब चीज़ें पिए हम लोग, स्वदेशी ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं होते डाले हुए जो हमारी हेल्थ को नुकसान करते हैं, और वैसे भी जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें तो हर चीज़ नुकसानदायक ही होती है, और ये हमने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ, हाइजीनिक होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। नींबू पानी पीना बहुत बेटर होता है अपनी हेल्थ के लिए। कौन है शोन्य? वो पोलियो ड्रॉप पिलाने आए थे। अच्छा, एंजल ने अपना मार्किंग भी दिखा दो, पोलियो ड्रॉप। एंजल कैसा था? अच्छा था।
टेस्टी लगा? सॉल्टी सॉल्टी था, सॉल्टी था कि स्वीट था? नो ये बोला उन्होंने 15 सितंबर को होगा। तो जो भी, मुझे नहीं पता बाकी स्टेट्स का, महाराष्ट्र में जितने भी लोग ये देख रहे हैं ब्लॉग को, तो वो लोग याद रखे 15 सितंबर को फिर से पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे। 15 सितंबर को फिर से पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे और 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं सबको प्लीज जाके पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं। ये क्या हो रहा है? एंजल तो आज बहुत खुश है, बहुत मस्ती कर रही, क्योंकि पापा घर पे है ना, इसलिए इसको बहुत मजे आ रहे हैं आज। तुमने पिया? कैसा बना है? बहुत टेस्टी बना, आप भी पी लीजिए। हमने अपना रूम सेट कर लिया है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोग इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ इसका कारण क्या है। अभी हमारे घर का तूफान सो रहा है, तो अभी हम लोग फटाफट से बाकी काम निपटा लेते, नहीं तो हम लोगों में से एक जन तो इसके साथ ही बाउंड होके रह जाता है। बेडरूम में जो इन्होंने सुबह से सफाई अभियान छेड़ रखा था वो अभी हो गया है ख़त्म। एंजल भी सो गई है और मैं आपको दिखाती हूँ पूरा रूम कैसे इन्होंने सेटअप किया। मैंने भी हेल्प की है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अकेलों ने किया है, पर ज़्यादा इन्होंने किया है, थक भी गए हैं करके। और अभी हम लोगों ने इस घर में कुछ टाइम पहले शिफ्ट किया है, तो अभी कुछ ज़्यादा हम लोगों ने सेटअप नहीं किया है, धीरे धीरे ही करेंगे, धीरे धीरे ही होता है। पहले आप लोगों ने देखा था कि कितना मैस्ड अप हो रखा था रूम, तो ये है रूम, बस सफाई की है, बाकी कुछ हम लोगों ने ज़्यादा नहीं रखा है यहाँ पर। अभी एंजल सो रही है तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगी। यहाँ पे अलमीरा है और यहाँ पे बेड है एंड बस ये मेरी पिक है, बहुत छोटी थी तब मैं, बस यही हमारा बेडरूम है। तो अभी ये साफ़ हो गया है, पता नहीं कितनी देर तक साफ़ रहेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तूफ़ान मचाते हैं और सब पेपर्स हर चीज़ ला के यहाँ। ये सफाई हुई है, कुछ भरोसा नहीं है कब तक रहने वाला है ऐसे ही रूम साफ, क्योंकि नित्यम आएगा वो भी इधर का सामान उधर फेंकेगा। एंजल उठती है वो तो पूछे मत, वो तो सब कुछ इधर से उधर, उधर से इधर ला ला के फेंकती रहती है, फिर बेडशीट भी सारा ख़राब कर देते हैं सब, मतलब मैस्ड अप फिर से हो जाता है। पर मेरा पूरा दिन यही काम रहता है, हर चीज़ संभाल संभाल के रखना, थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे वो अच्छे से समझ सकते हैं ये बात कि कितना मुश्किल होता है छोटे बच्चे को अकेले संभालना। आज तो ये मेरे साथ हैं घर पे, लेकिन मोस्टली मैं अकेली ही होती हूँ और मैं कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी एंजल सो रही है तो हम लोग सोच रहे हैं कि फटाफट थोड़ा बहुत जो भी बचा है घर का काम निपटा लेते हैं। तो अभी शिवम गई है किचन में और सफाई करना स्टार्ट है, और मैं देखता हूँ कुछ छोटा मोटा और कुछ काम है तो वो निपटा लेता हूँ। हाय, अभी बहुत सारा काम करवाना बाकी है। पहले जब भी शिफ्टिंग किया तो सोचा कि चलो थोड़ा बहुत करवा लेते हैं रहने लायक, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइक पेंटिंग बाकी है और पेंटिंग है और हाँ, क्या मुंबई का मानसून तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, तो अभी हमने सोचा कि थोड़ा बारिश का देख लेते हैं कि कहीं कुछ कहीं से पानी वगैरह की कुछ इशू तो नहीं है, तो फिर उसके बाद कुछ काम करवाएंगे लाइक पेंटिंग वगैरह और जो भी कुछ काम करवाना है इंटीरियर का तो वो फिर बाद में करवाएंगे। हो गए, फिनिश हो गए, बर्तन सब धुल गए? हाँ जी, बस ये रहा एक बड़ा, बड़े बर्तन धोने में टाइम लगता है, वैसे तो
छोटे बर्तन तो धुल जाते हैं, बर्तन साफ हो गए, किचन साफ हो गया और अभी मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी और साथ में पूरी। मुझे तो इतना पसंद है ना इसका कॉम्बिनेशन। पहले मैंने सोचा था कि छोले बनाने का, पर रात को हमने डिसाइड किया कि कल पूरियां बनाएंगे, तो लेट नाइट हो गया था तो ला नहीं पाए। और अभी फिर सोचा कि उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत एक ग्रेट कॉम्बिनेशन है आलू टमाटर की सब्जी और पूरी, हमें तो बहुत पसंद है। फिर नित्यम के आने का टाइम हो जाता है तो उससे पहले मैं जा रही हूँ शार लेने के लिए, फिर लंच भी रेडी करना है उसके आने से पहले। अरे वाह, एंजल के न्यू शूज। एंजल अभी पहन के कहाँ जाएगी? भैया को लेने। इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। आपको पता है पापा, इसमें से तो साउंड भी आता है जब चलते हैं। इसमें से साउंड आते हैं, चल के दिखाओगे? अभी एंजल सबको चल के दिखाएगी, है ना? चलो 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 चलो। नहीं अभी नहीं जा रही, आपके लेके जाऊंगी आपको साथ में। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। स्टैंड अप। अभी चल के दिखाओ पहले। चलो चलो आ जाओ, चलो बाय कर दो, सबको बाय कर दो। बाय 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 बाय। अपने आप चल लेंगे। ओ गिर गया मेरा बच्चा। चलो 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 चलो। कम कम कम। मेरे पास है ना। बाय। तो अभी नित्यम को लेने के लिए जा रहे हैं, टाइम हो गया उसके आने का, तो हम अभी उसको लेने के लिए जा रहे हैं। चलो चले चले नित्यम भैया को लेने। नो बाय कर दो, बाय कर दो, बाय 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 बाय। हम लोग स्टॉप पे आ गए हैं अभी नित्यम भैया को लेने के लिए, है ना एंजल? एंजल को तो बाहर आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत गुम्मी गुम्मी करके बहुत मजा आता है। हाँ सच्ची में। भैया कहाँ है? भैया भैया, अच्छा वेयर इज पापा? इन वेयर इज पापा? अच्छा वेयर इज फैन? इन फैन नहीं, ऊपर दिख रही थी अभी। हाँ भैया एंजल कौन आ रहा है अभी? कौन आएगा अब? हाँ नित्यम भैया आएंगे। और आपने ऐसा शाडी शाडी से मुंह क्यों बना रखा? शाडी शाडी से स्माइल क्यों नहीं करते? स्माइल क्यों नहीं करते? हाँ बोर हो जाती ना, है ना? हाय नित्यम। तो गाइस अभी कुकिंग स्टार्ट हो गई है। मेरे हस्बैंड बहुत इंजॉय करते हैं जब भी वो कुकिंग करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने साउंड सिस्टम भी किचन में ही रखा हुआ है ताकि हम लोग बोर ना हो खाना बनाते बनाते। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। रेडी हो गया है जो भी सामान, रेडी हो गया जो भी बनाना है, आलू टमाटर सब कुछ काट लिया है और अभी बस रेडी करना है, उसके बाद मैं पूरियां बनाऊंगी। तो आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे बना।
हमारी सब्जी अभी रेडी हो रही है और दूसरी कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है पूरियां बनाने के लिए। अभी मैं यहाँ पे एक आपको बात बताना चाहूँगी, मेरे पास आपको किचन में एक कुकर के अलावा और कोई भी बर्तन अल्मीनियम का नहीं मिलेगा। मेरी ये दोनों कढ़ाइयाँ, एक तो पीतल की है और एक ये वाली लोहे की है। मैं अल्मीनियम के बर्तन बिल्कुल भी अपने घर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो वो धातु हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो अल्मीनियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। मैंने ये हांडी रखी हुई है, मैं मोस्टली दाल और चावल इसी में ही बनाती हूँ, लेकिन जो राजमा वगैरह या चने वगैरह हैं वो उसके लिए मैं कुकर यूज़ करती हूँ, बट मोस्टली मैं इसी मिट्टी की हांडी में ही बनाती हूँ। और तड़का जो है वो मैं इसी लोहे की कढ़ाई में लगाती हूँ। आप लोग भी कोशिश करें कि कम से कम एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ करें। ये हमने डाल दिया है इसमें धनिया, क्योंकि धनिया डालने से उसकी खुशबू भी अच्छी हो जाती है और उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमारा लंच रेडी हो गया है। जी देखो तो सही इसको, ये क्या हुआ? अच्छा तुम भी ले आओ ना। लेके आ रही हूँ। नहीं एंजल, जाओ जाओ पापा के साथ खाना खाओ। एंजल जाओ। बेटा खा लो थोड़ा और। आप टेस्ट करें, देखें कैसा बना है। मजा आ गया, बहुत मेहनत की इसके पीछे। सुबह से लगे हुए थे, अब जाके मजा आ गया सच में। तो हम लोगों ने अपना लंच कर लिया है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, बहुत मजा आया खा के। बहुत अच्छी बनी थी, है ना एंजल? एंजल को भी बहुत मजा आया, है ना? एंजल को सब्जी कैसी लगी पापा की बनाई हुई? बहुत बहुत अच्छी है ना, मैं बोल देता हूँ उसकी साइड से। तो अभी हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी हमें मार्केट जाना है, घर के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूला करें हमारा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो। यस, थैंक यू सो मच इन एडवांस, पर आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें बहुत 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 लाइक्स और सब्सक्राइब की ज़रूरत है, तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय। एंजल से बाय। बाय बाय से एंजल से बाय। बाय गुड्डो, बाय गुड्डो, ओ ओ ओ, बाय गाइस, बाय।